नमस्कार, टीम परीक्षा प्लस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाईकोर्ट आर ओ ए आर ओ वैकेंसी के संबंध में। हाईकोर्ट आर ओ ए आर ओ की वैकेंसी के बारे में हमारे संस्थान द्वारा पहले ही आपको एक डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो इस वीडियो में मैं आपसे हाईकोर्ट में जो आर ओ ए आर ओ की वैकेंसी है उसमें जो टाइपिंग होगी उसके संबंध में बात करूँगी। टाइपिंग के संबंध में हम जानेंगे कि टाइपिंग की ड्यूरेशन क्या होगी, वो कितने मार्क्स की है, मिनिमम कितने मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए लाने पड़ेंगे, मैटर किस तरीके का आएगा, वगैरह वगैरह। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि टाइपिंग के लिए हमें कितना टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो देखिए, टाइपिंग के लिए जो है वो आपको 20 मिनट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। होगा क्या कि जब आप रिटन एग्ज़ाम आपका हो जाएगा उसके बाद एक 15 मिनट का गैप आपको दिया जाएगा। उस 15 मिनट के गैप के बाद आपका जो है वो टाइपिंग का स्किल टेस्ट होगा। वो स्किल टेस्ट जो है वो आपका 50 मार्क्स का होगा। उस 50 मार्क के स्किल टेस्ट में आपको मिनिमम 25 वर्ड्स जो हैं, 25 मार्क्स जो हैं वो लाने होंगे। अगर आप 25 मार्क्स से कम मार्क्स लाते हैं तो आप इस एग्ज़ाम में डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। टाइपिंग की जो स्पीड है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, टाइपिंग की स्पीड जो है वो मिनिमम 25 वर्ड्स जो है वो होनी चाहिए। यानी मिनिमम 25 वर्ड्स स्पीड के साथ आपको बिल्कुल सही मैटर टाइप करना है। बिल्कुल सही मैटर टाइप करने की बात मैं क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए क्योंकि इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है। नेगेटिव मार्किंग किस तरीके की होगी इस बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, नेगेटिव मार्किंग के लिए क्या है कि अगर आप एक मिस्टेक करते हैं तो उसके लिए, उस एक मिस्टेक के लिए आपका 0.1 मार्क जो है वो कट कर लिया जाएगा। इस हिसाब से अगर हम देखें तो अगर हम 10 मिस्टेक्स करते हैं तो उसके लिए एक नंबर हमारा काट लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 20 मिस्टेक्स करते हैं तो हमारे दो नंबर जो हैं वो काट लिए जाएंगे। मिस्टेक्स जो हैं वो किस तरीके की होती हैं ये भी जान लीजिए। तो यदि आप किसी मैटर को दो बार टाइप कर देते हैं या फिर आप किसी वर्ड को टाइप करना भूल जाते हैं, इस तरीके की मिस्टेक्स अगर आप करते हैं या तो आपकी वो चीज़ें जो हैं वो आपकी मिस्टेक्स में काउंट की जाएंगी। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि आपसे इस तरीके की गलतियां जो हैं वो ना के बराबर हो, क्योंकि है क्या कि इस एग्ज़ाम में जो है वो टाइपिंग का की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो टाइपिंग है वो क्वालिफाइंग नेचर की नहीं है, उसके लिए आपको मार्क्स दिए जा रहे हैं और 50 मार्क्स आपको दिए जा रहे हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि एक एक नंबर कितना इम्पोर्टेंट होता है, और यहाँ पर आपको 50 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोग ये कोशिश करिएगा कि आप लोग बिल्कुल सही टाइपिंग करें। एक चीज़ और कि ड्यूरेशन जो है, जो मैटर है वो किस तरीके का रहता है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, मैटर जो है वो आपको वहाँ पर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो प्रोवाइड करवाए जाते हैं। हाई कोर्ट के ऑर्डर में क्या होता है कि वो वहाँ पर जब आपको हाई कोर्ट के ऑर्डर प्रोवाइड कराए जाते हैं तो वो टाइपिंग जो है वो नॉर्मल टाइपिंग से अलग हो जाती है। नॉर्मल टाइपिंग में आपको केवल एक मैटर दिया जाता है और आपको सीधे उसको टाइप करना होता है, लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स में आपको कई बार उनको टाइप करते समय टैब, इटैलिक, बोल्ड, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों को जब आप बार बार यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि नॉर्मल टाइपिंग स्पीड जिन लोगों की 50 वर्ड्स पर मिनट आ रही होती है, हाई कोर्ट के एग्ज़ाम में वो लोग मिनिमम क्वालिफाइंग जो टाइपिंग स्पीड है वो भी नहीं ला पाते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है उसके लिए ये करें कि आप लोग नेट पर जाकर हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसको निकाल लीजिए और उससे आप लोग टाइपिंग करना अभी से ऐसी प्रैक्टिस कीजिए कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें तो आप आसानी से उन ऑर्डर्स को टाइप कर सकें। इस बार है क्या कि जो टाइपिंग एग्ज़ाम का तरीका है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है। पहले जो टाइपिंग एग्ज़ाम आपका होता था वो इस तरीके से होता था कि जब आपका रिटन एग्ज़ाम करवा दिया जाता था, उस रिटन एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद लगभग एक महीना आपको टाइपिंग के लिए दिया जाता था और उस एक महीने की ड्यूरेशन में आप अच्छे से प्रैक्टिस करके वहाँ टाइपिंग दे सकते थे। लेकिन इस बार क्या किया गया है कि रिटन एग्ज़ाम के साथ ही जो है वो टाइपिंग एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो इसलिए आपके पास इस बार ये समय नहीं है कि आप टाइपिंग के लिए अलग से तैयारी करें। तो इसलिए आप लोग इस समय टाइपिंग को भी उतनी ही गंभीरता से लीजिए जितना कि आप रिटन एग्ज़ाम को ले रहे हैं। टाइपिंग एग्ज़ाम का की जो इम्पोर्टेंस है वो इस एग्ज़ाम में बिल्कुल भी कम नहीं है। रिटन एग्ज़ाम के लिए हमारे संस्थान द्वारा लगातार आपका मार्गदर्शन किया जा रहा है और
आगे भी अगर टाइपिंग में या फिर रिटिन में किसी भी तरीके की आपको कोई समस्या होती है तो हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। और आई थिंक अभी आपको टाइपिंग से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो तब तक के लिए, अभी तक के लिए धन्यवाद।